हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस सेशन ऑन केवीएस एग्जाम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अभी 13,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकाली हैं पीआरटी टीजीटी पीजीटी और साथ में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी। तो ये बहुत ही अच्छा चांस है आप सब लोगों के लिए अपनी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने का टीचिंग लाइन में, जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है, जिसमें हर कोई जाना चाहता है वो भी गवर्नमेंट टीचिंग लाइन में। तो ये काफी अच्छा मौका है। तो इसीलिए आज हमारे साथ दीपक हिमांशु सर हैं, जिनको 12 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में, जो कि टीचिंग एक्सपर्ट है, इंडिया की टॉप फैकल्टी है। तो हमने स्पेशली आज उनको आपके लिए बुलाया ताकि आपके केवीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आपके आंसर्स मिले और आपका जो ये जो मौका है ये इस बार नहीं छूटना चाहिए। तो आज हम सर से सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि केवीएस की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 5 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी। एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलहाल निकले हुए हैं और आपके पास 2 जनवरी तक का टाइम है अप्लाई करने का। यस, 2 जनवरी इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर केवीएस एग्जाम, जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो आप लोग अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए जिस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हैं, और बाकी सारी डिटेल्स आज हमें सर देंगे। तो सर सबसे पहले तो आप प्लीज केवीएस के बारे में कुछ बताइए, ये केवीएस वैकेंसीज वगैरह के बारे में। जी जी, थैंक यू वेरी मच। तो पहले तो ये इंडिया की सबसे बड़ी या सबसे बेस्ट या सबसे हाई लेवल की टीचर रिक्रूटमेंट आप कह सकते हैं, और अगर बच्चों का ड्रीम होता है केवीएस में टीचर बनने का, तो ये जो वैकेंसी है ये 2018 में आई थी, उसके बाद आई है। तो इसमें आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत बहुत सारे स्कूल्स हैं ऑल ओवर कंट्री में, वहां पर आप किसी भी विद्यालय में नियुक्त किए जा सकते हैं। इसमें पीआरटी टीजीटी पीजीटी वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरियन ऐसे बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है। और क्योंकि केवीएस एक ऐसा संगठन है जो बहुत सारी सुविधाएं देता है बच्चों को, चाहे वो आप टीचर बनने के बाद आपको घर की सुविधा है या आपको बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, आपको एक अच्छी सैलरी होती है, इसलिए इसे टीचिंग फील्ड का सबसे बेस्ट जॉब माना जाता है। ओके सर, मैंने सुना है कि केवीएस जॉब में आपका पूरा इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग हो जाती है। जी जी बिल्कुल, आप कहीं पे भी आपको वो पोस्ट कर सकते हैं, इवन ट्रांसफर भी आपको वो कहीं पे कर सकते हैं। तो ये भी एक चैलेंज होता है, और केवीएस ऐसा मानता है क्योंकि उनका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें वो मानता है कि एज अ टीचर हमें खुद फ्लेक्सिबल होना चाहिए और टीचिंग मेथड और बच्चे को समझने में हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए कि किसी भी लैंग्वेज या किसी भी रीजन में अगर हमारा पोस्टिंग हो तो हम उसमें अच्छे से चाइल्ड सेंट्रिक वे में बच्चे को पढ़ा सके। तो ये केवीएस इसलिए सफल करते रहता है। हाँ जी सर, मैंने सुना है कि बच्चे तो बहुत खुशी खुशी अप्लाई करते हैं ये सोच के कि हमें और किसी न्यू सिटी में रहने का भी मौका मिलेगा, तो एक न्यू एक्सपीरियंस भी होगा और साथ में जॉब और सैलरी वगैरह तो अच्छा होता ही है केवीएस में। तो सर केवीएस में मतलब ये सीटेट से कैसे डिफरेंट है इसका ये एग्जाम, या और बाकी जो DSSSB वगैरह के एग्जाम्स होते हैं ये कैसे अलग है? बेसिकली देखिए, कोई किन्हीं को भी अगर टीचर बनना होता है तो सबसे पहले वो टीचर ट्रेनिंग करते हैं जो बीएड डीएलएड या बीटीसी हर स्टेट में गवर्नमेंट या प्राइवेट रूप से होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल सीटेट होता है। तो सीटेट एक आपका टेस्ट है जो आपको बताता है कि अब आप टीचर रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है। तो सीटेट आपको जॉब नहीं देता है बट आपको वो एक एलिजिबल बना देता है। उसके बाद आती है अदर वैकेंसी जैसे DSSSB है और है, तो उसी में केवीएस को सर्वोपरि माना जाता है क्योंकि ये इसके लिए आपको सीटेट भी होना चाहिए, इसके लिए आपको सारी टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो आप रेस्पेक्टिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सीटेट आप कह सकते हैं कि इसका प्री लेवल है, जिसमें कि एक तरह से आप रेडी हो गए हैं कि यस नाउ आई एम रेडी फॉर केवीएस या नाउ आई एम रेडी टू बीइंग अ टीचर, फिर आपको केवीएस में मौका मिलता है। तो उसकी एलिजिबिलिटी में ही सीटेट होना चाहिए, वो उसका बेसिक लेवल। और सर मैंने ये भी सुना है कि केवीएस एग्जाम में आपको एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू भी क्लियर करना होता है। जी तो बिल्कुल, इंटरव्यू भी होता है सर। जी इसमें बेसिकली 3 राउंड होता है, एक तो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद एक डेमो होता है तो उसका भी वेटेज रहता है। तो वो आपको दिखा मतलब देखते हैं कि आपके अंदर टीचर के गुण है कि नहीं है, वो आपको पढ़वा के दिखाएंगे और उसके साथ साथ इंटरव्यू भी होता है। तो ये 3 लेवल क्रॉस करने के बाद वो फिर फाइनल वो जाता है कि आप सेलेक्ट हो गए। ओके, तो सर केवीएस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और क्या ये भी रिसेंटली चेंज हुआ है? जी केवीएस लास्ट 2018 में हुआ था, और अगर देखिएगा तो ऐसा कोई सा ये नहीं है कि हर साल आती है। जब केवीएस को लगता है कि उनकी जो है उतनी वैकेंसीज आ गई है कि अब वो फॉर्म निकाल सकते हैं तभी होता है। इस बार उन्होंने एक बड़ा चेंज किया है जो बेसिकली जो एनईपी 2020 हुआ है या और भी जो नए नए गवर्नमेंट के निर्देश हुए हैं, एनसीटी एनसीआरटी के जो नए नए गाइडलाइन है उसके बेसिस पर इन्होंने एक बड़ा चेंज किया है। इस बार बेसिकली केवीएस में आप पीआरटी टीजीटी पीजीटी मेनली टीचर के रूप में अगर आप देखें तो ये आप बन सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, जैसे आपको करंट अफेयर्स होना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स एनवायरमेंटल स्टडीज और ऐसे और भी बहुत सारे हिंदी इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए। लेकिन जो मेन इस बार उन्होंने जोड़ा है जो पहले भी था, पहले वो पेडागोजी बोलते थे, जो बेसिकली इट्स अ वे कि हाउ यू कैन टीच, आप बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं, बच्चे को कैसे समझना है, उसी को इन्होंने बहुत वास्ट कर दिया है जो आपने बोला रिसेंटली चेंज हुआ है। तो यही चेंज हुआ है और बेसिकली आप देखिएगा तो ये बहुत लॉजिकल भी है, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ टीचर तो
नॉलेज तो सबको पता है कि आप 10 12th करके आते हैं, इतनी ट्रेनिंग करके आते हैं तो आपको 2 plus 2 equal to 4 आता है, बट वो 2 plus 2 equal to 4 किस एज के बच्चे को कैसे पढ़ाना है, दैट इज देयर न्यू सब्जेक्ट जो उन्होंने पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप लॉन्च किया है। जो पहले पैडागोजी था वो 20 मार्क्स का आता था और केवीएस टोटल 150 की होती थी, अभी वो टोटल 180 मार्क्स का हो गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट का वेटेज, जो नया सब्जेक्ट आया है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसका वेटेज हो गया 60 मार्क्स पीआरटी में और 40 मार्क्स टीजीटी और पीजीटी में। तो बेसिकली इसके अंदर ये जो ऐड हुआ है, इसके अंदर वो ये देखना चाहेंगे कि आप बच्चे को कितना समझते हैं, आपके बच्चे के डेवलपमेंट को कितना समझते हैं, बच्चे के नेचर को, बच्चे के एक्टिविटी को कितना समझते हैं, एज ए टीचर आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, रोल आपका क्या होना चाहिए, टीचिंग मेथड आपको कैसे आता है, ऑन सिचुएशन आप कैसे हैंडल कर सकते हैं बच्चों को, साथ ही साथ आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है। नए जो एनईपी 2020 आए हैं उसको लेकर बहुत सारी चीजें ऐड की गई है, चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में आपको पता है कि नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वो चेक करेंगे, करिकुलम आपको बनाने आता है, लेसन प्लान बनाना आता है, इट्स लाइक आप मतलब एकदम 100% रेडी होके जा रहे हैं कि नेक्स्ट डे आर बिकमिंग अ टीचर। तो कंप्लीट आप मतलब विदाउट एनी गार्जियन कंप्लेन, विदाउट एनी पेरेंट्स के वरीड हुए, आप एक ब्यूटीफुली एक बेहतर टीचर बन सकते हैं। तो ये जो नया सब्जेक्ट इंपैक्ट उन्होंने क्रिएट किया है, यही बड़ा चेंजेस है और ये चेंजेस बिल्कुल वर्थ है। ओके सर जी, वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक भी सुनने में, लेकिन मेरे ख्याल से अभी क्योंकि ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है और रिसेंटली चेंज हुआ है सिलेबस, तो आई थिंक अभी कोई बुक तो अवेलेबल नहीं होगी इस टॉपिक पे। जी, इसमें ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो अक्सर हम लोग डेली बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हर दिन बच्चों का भी यही प्रश्न भी मिल रहा है कि सर इतनी बड़ी चीजें हैं, सब बोलते सर सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि पहली बात तो कि ये सिलेबस इन्होंने जहां जहां से लिए हैं, जितनी चीजें मैंने बोली, ये सिर्फ ना तो बीएड है, ना तो सीटेट है और ना ही कोई एग्जिस्टिंग चीज है, तो इस पर ऑब्वियसली कोई मटेरियल, कोई बुक, कुछ भी उपलब्ध नहीं है। अब लोग मैनिपुलेट कर ले अलग बात है, लेकिन एक्चुअली में इसकी कोई चीज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं, आज मैं ये रिवील करना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद मेरे पेरेंट्स टीचर हैं, माय फादर इज अ प्रेसिडेंट अवार्डेड टीचर, तो मेरे पास बहुत सारे गवर्नमेंट के मटेरियल्स का मुझे एक्सेस रहता है जो बेसिकली बच्चों को या टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए दिए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें बीएड, डीएलएड, बीटीसी, सीटेट और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की एक स्वयं करके वेबसाइट है, गवर्नमेंट की अपनी संस्था है swayam.gov.in, वहां से गवर्नमेंट की ट्रेनिंग होती है, निष्ठा, चहक, दीक्षा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां जहां से इन्होंने केंद्रीय विद्यालय ने मटेरियल को लिया है और वहां से सिलेबस तैयार किया है। सो इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क, बिकॉज अगर आप देखेंगे सीटेट से तो पहले उतना डिफरेंस नहीं था, बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट नाउ इट्स अ बिग डिफरेंस कि ये जो लीडरशिप है, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन है और जितनी भी नई नई चीजें ऐड हुई है, इसके बारे में कहीं कुछ नहीं है, एंड दिस इज कंप्लीटली न्यू और इट्स अ बिग चैलेंज फॉर एवरीबॉडी, इवन हमारे लिए भी इट वाज बिग चैलेंज कि अब इस चीज को परफेक्शन के साथ कैसे लॉन्च किया जाए। जी बट सर, आपने बुक तो लिखी है ना इस टॉपिक को कवर करने के लिए? जी जी बिल्कुल, वही मैं ये जो मैं जो आपको इतना बता पा रहा हूँ उसका रीजन यही है कि जैसे ही वैकेंसी आई और एंड थैंक्स टू दिशा पब्लिकेशन जो हमेशा न्यू इनिशिएटिव्स के लिए तैयार रहते हैं, कुछ भी नए चैलेंज आते हैं तो भीड़ से अलग काम करते हैं, दैट इज वन गुड थिंग। तो जैसे ही ये सिलेबस आया तो मुझे लगता है कि मैं इंक्लूडिंग जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं दिशा पब्लिकेशन के, दिन रात हम लोग पिछले एक महीने से इस पर काम कर रहे हैं, बिकॉज इट वॉज अ रियली बिग चैलेंज। इन सभी चीजों को मुझे लगता है कि करीबन मेरी खुद की पहले से बीएड की बुक्स हैं, सीटेट की बहुत सारी बुक्स हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, दिशा पब्लिकेशन से ही है, तो इन सब का निचोर और जो नई चीजें ऐड भी, बिकॉज लाइक नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहीं नहीं आपको मिलेगी, और बहुत सारी चीजें जो पहले थी ही नहीं सिलेबस में, उन सब चीजों को गवर्नमेंट के मटेरियल से लाना, मुझे लगता है करीबन 20-25,000 पेजेस को पढ़ के उसका ये निचोर, क्योंकि अब बच्चे तीन महीने में उतना नहीं पढ़ सकते, उनको उसका पूरा निचोर, उसका जो एक संग्रह हो सकता है कि 10 पन्ने को एक लाइन में कैसे बोला जा सके ताकि बच्चे को एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए, तो उसका निचोर पूरी हमने उनके टॉपिक वाइज थ्योरी तैयार की है। इट वॉज नॉट वेरी इजी टास्क, इसको बहुत ज्यादा मतलब मेहनत लगा के बनाया गया है और एवरी चैप्टर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का भी संग्रह किया है, और इस पूरे दावे के साथ कि जब बच्चे एग्जाम देकर आएंगे तो उनको लगेगा कि अरे ये तो शायद हम दीपक हिमांशु सर या दिशा पब्लिकेशन की बुक की प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, उसको इस टाइप का फील आए। तो इट्स लाइक इट वॉज अ चैलेंज एंड मी इंक्लूडिंग आवर कंप्लीट दिशा टीम वी हैव एक्सेप्टेड दिस, और ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा क्योंकि अभी तक एक भी मटेरियल नहीं है, दिस विल बी द फर्स्ट बुक इन इंडिया विद ऑल मतलब जितनी भी चीजें हैं उन सबों को मिला के। जी, और ये सर इस बुक में क्या क्या मिल सकता है स्टूडेंट्स को? जी, इस बुक में जैसे कि उन्होंने टोटल 5 सेक्शंस बांटे हैं, तो उन 5 सेक्शंस में भी बच्चे को कोई सेक्शन बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, कौन किससे रिलेटेड है उतना क्लियर नहीं है, तो इस बुक में सबसे पहले तो हमने उसको बाइफर्केट किया है कि आपकी कौन कौन सी चीजें रिलेटेड है। ये बहुत बड़ा चीज होता है जब आप कंपेरिजन नहीं कर पाते, लिंकेज नहीं कर पाते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हमने सबसे पहले उस टॉपिक को वैसे डिफाइन किया है, तो इसमें टोटल 13 हमने टॉपिक क्रिएट किए हैं आउट ऑफ दिस 5 सेक्शन, उसको रिलेवेंट जो चीजें हैं उनको एक साथ रखा है, और एवरी टॉपिक में सफिशियंट मटेरियल दिए गए हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिए गए हैं कि ताकि आप जितनी भी चीजें आपको है आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी से बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जैसे ही आप वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे आपको मोर देन टोटल 1100-1200 मतलब 1000 प्लस
क्वेश्चंस आपको हैं पूरे सिर्फ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के, जिसमें आपको हर वैरायटी की चीजें तैयार हो जाएगी और कहीं पर भी किसी भी रूप में कोई टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जहां पर आपको मतलब ये कि ये छूट गया। तो 100% इसमें कवरेज है, पूरी थ्योरी, पूरे एमसीक्यूज और कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन का। Wow, sir, that's something. And I'm sure इसमें वाकई में बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगा होगा ये करने में आपको। तो सर मुझे ये पूछना था कि ये जो न्यू टॉपिक है, ये मतलब स्कोरिंग है या ये अच्छी बात है कि एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस हुई है या फिर थोड़ा मुश्किल हो गया ये एग्जाम, इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? इस पर सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत जरूरी था लाना, और दूसरा चीज की यही डिसाइडिंग है इस बार सिलेक्शन के लिए, यही डिसाइडिंग सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, पहली बात तो किसी का वेटेज इतना नहीं है, ये 3 गुना वेटेज है, 20 नंबर से ज्यादा और कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये अकेला ये 60 नंबर का है, तो वेटेज बहुत ज्यादा है। और बाकी सब्जेक्ट्स के जो है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, मुझे लगता है कि कोई बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी उस चीजों को नाम को जान रहा होगा, तो वो चीजें बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उसके बहुत सारे रिलेवेंट चीज या बहुत सारी नॉलेज आपको है भी। लेकिन ये एक तो बहुत ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है, दूसरा चीज कि इसमें बहुत सारी नई चीजें हैं, तो इस बार यही सब्जेक्ट डिसाइडिंग होगा और सबसे इंपॉर्टेंट होगा, आपका सिलेक्शन यश या नो यही डिसाइड करेगा। बिकॉज बहुत बड़ा वेटेज, आप देख लीजिए टोटल 180 में 60 मार्क्स आप यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये 60 मार्क्स आपको दिला सकता है सक्सेस या तो नहीं दिला सकता है, यही डिसाइडिंग होगा। बाकी में ऑन एन एवरेज सबका बढ़िया ही जाएगा, यही मेन है जिसमें बच्चों को मेहनत करना चाहिए बढ़िया से। सर एक बार आप इन एग्जाम्स का पैटर्न बताएंगे, कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स का आता है और साथ में लैंग्वेजेस का क्या है यहाँ पे, कौन सा लैंग्वेज चूज कर सकते हैं ये सब? जी, इसमें बेसिकली लैंग्वेज चूज करने के कोई ऑप्शंस नहीं रहते हैं। अगर आप पीआरटी की बात करते हैं तो इसमें आपको जनरल हिंदी, इंग्लिश, इसके क्वेश्चंस रहते हैं, और उसके बाद आपका जीके, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग आते हैं, कंप्यूटर आते हैं 5 नंबर के, और उसके बाद इनके कुछ जैसे कि सब्जेक्ट्स में भी आपका मैथमेटिक्स हो गया, इन्वायरमेंटल स्टडीज हो गया, ये सारी चीजें रहती है, और साथ में ये नया आया है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। पीआरटी टीजीटी में भी ऐसा ही होता है, बस मार्क्स का थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन इतना ही सब्जेक्ट रहता है। सर इस पेपर का क्या ट्रेंड है, कितने लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, कट ऑफ कितनी जाती है, इस पे कुछ आइडिया? देखिए ये तो उनके कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि उनके पास कितनी वैकेंसी है, और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये बस आपको जैसे सीटेट क्या है कि आप पास करके फेल कर गए, ये वैसा नहीं है। उनके पास अगर जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि 13,000 से ज्यादा वैकेंसी है, एक बस पीआरटी के लिए उन्होंने सपोज की 7,000 वैकेंसी है, तो अब कट ऑफ अभी क्योंकि 4 साल बाद एग्जाम हो रहा है तो ये कट ऑफ उस पर डिसाइड होगा। जैसे कि अभी लगभग 8 से 9 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है लगभग, और वो क्या कहते हैं डेट बढ़ी है उसके फॉर्म भरने की, तो इंक्रीज भी हो सकती है, तो ऑन एन अप्रोक्स में बता रहा हूँ। तो इसमें इतने बच्चे ने फॉर्म भरा है, इसमें ये 4 साल बाद हो रहा है, और 4 साल आप याद करिए, 4 साल वो जमाना था जिस समय पर कि इंटरनेट नहीं चलता था उतना, 2018 में एग्जाम हुआ था, इस बीच में सब कुछ बूम हुआ है, बच्चे अवेयर हुए हैं, तो ये डिपेंड करेगा इस समय पर कि कितने बच्चे ने फॉर्म भरा है, उन्होंने किस क्वालिटी से तैयारी की है, और हाईएस्ट मार्क्स कितना जाता है। तो एक तो पहली बात तो रिटन बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन है नहीं, रिटन बेसिस पे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, और वो डिपेंड करेगा कितने बच्चे कितना अच्छा मार्क्स कर पाते हैं और उनका क्वेश्चन का लेवल कितना होता है। इसको हम इस बार कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि जब कोई एक ट्रेंड होता है कि हर साल हो रही है और ये एक ट्रेंड चल रहा है, तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल ऑथर मुझे नहीं लगता है कि इस पर अभी कोई ऐसा डायरेक्ट हमें प्रेडिक्शन करना चाहिए, ये ऑल डिपेंड कि इस समय के रिवोल्यूशन में कितने बच्चे शामिल होते हैं, उस हिसाब से वो लोग ऊपर से उतने बच्चे पिक करेंगे। सर लास्टली आप हमें प्लीज ये बताइए कि कैसे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, कौन सी स्मार्ट स्ट्रेटजी है जो कि आपको ये एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगी? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगा, बचपन से ही ना हमारे माता पिता बोलते थे कि बाबू सब कुछ ठीक है लेकिन खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो और किताब के साथ रहो, तो आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छा जाएगा। आज बहुत डिजिटल जमाना है, हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, चमक धमक स्टूडियो सब कुछ में, लेकिन एट लास्ट मैं बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ, आज भी हार्ड लेवल से ज्यादा स्मार्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जो आपका पूरा सिलेबस है उसको कॉपी में नोट करिए, और उसके बाद देखिए और प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करिए कि इसमें से किसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, किसमें कम है, या कौन सी टॉपिक आपके लिए ज्यादा टफ है। हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है, मेरी हिंदी अच्छी हो सकती है, आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है, किसी की एनवायरमेंटल स्टडीज अच्छी हो सकती है, इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से आप प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करिए, और जो आपका है जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है उस पर पहले काम करिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत जल्दबाजी में वो चीजें कभी क्लियर नहीं होंगी जिस पर आपका डेप्थ नहीं है। तो आप उस तरीके से लिस्ट बनाइए, और टॉपिक वाइज पर डे कम से कम अपने पढ़ाई के लिए 5 to 6 आवर्स देने की कोशिश करिए। मुझे पता है हर तरह के लोग हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करिए 4 से 5 घंटे आप डेली
किसी न किसी टॉपिक को लीजिए, पूरा मंथ का शेड्यूल बनाइए, फिर उसको हिसाब से वीक का बनाइए, फिर पर डे का बनाइए, और वीकली वीकेंड में सैटरडे और संडे को पूरा जो आपने वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। और एक चीज आप कर सकते हैं, पढ़ाई कभी बोरिंग होकर मत करिएगा। एक टेबल डेस्क पर पढ़ते पढ़ते इंसान बोर हो जाता है, जब आप सोने भी जाते हैं ना तभी सोचिए कि आज दिन में क्या क्या पढ़ा था, उसको रिवाइज करिए, ये बहुत काम आएगा। कभी बैठे हुए हैं आज कुछ पढ़ना है, कुछ चीजें चार पांच चीजें हैं, दस दिन से याद नहीं हो रही है, एक छोटा सा नोट बना लिया, रख लिया, आजकल सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में रख लिया, कहीं पर जा रहे हैं घूम रहे हैं थोड़ा सा देख लिया, छोटी छोटी चीजें करिए आपको। और जब आप, जैसे कि हमारी बुक भी आई है, इसमें भी जब आप पढ़िएगा अच्छी बुक से पढ़िएगा, बुक के साथ रहिए, ये बहुत बड़ी चीज होती है, आपको खुद को जिम्मेदारी का एहसास कराता है बुक। आज भी बहुत पीडीएफ का जमाना आ गया, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सअप का जमाना आ गया, लेकिन आज भी बुक जैसा जिम्मेदार आपको कोई नहीं बनाएगा। तो बुक से पढ़िए, उसमें जरूरत जो चीजें उसको नोट करिए, अच्छी चीजों को टिक लगाइए, ऐसे करके आप पढ़िए तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, नोबडी कैन स्टॉप यू, क्योंकि चैलेंज बहुत ज्यादा है, तो इस समय पर आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा, भीड़ से अलग काम करना पड़ेगा। जी जी सर, जैसे कि कंपटीशन इतना टफ है और इतने सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, तो वही बात है कि वैकेंसी ज्यादा है तो फिर उनको फिल करने वाले लोग भी बहुत हैं, बहुत ज्यादा है। तो वही टफ कंपटीशन को बीट करने के लिए अगर आप दो तीन टिप्स दें बच्चों को, क्या टिप्स होंगी? जी बिल्कुल, अब अगर जैसे कि ये पूरा है तो इसमें थोड़ा सा स्मार्ट हम लोग बोलते हैं कई बार कि हम लोग इंडियन, हम लोग जुगाड़ से भी बहुत काम चलाते हैं, तो इस समय पर वही उसको एक्चुअल भाषा में क्रिएटिविटी बोलते हैं, आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा करने के लिए। अब आप देखिए कि जो जनरल क्वेश्चंस हैं उसको आप भी बनाएंगे और जो जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है वो भी बनाएगा, तो आपका जो चेंज है, जो रिवोल्यूशन है, जो आप भीड़ से अलग होंगे वो उन चीजों से होंगे जो लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम सब लोग क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को बहुत प्रैक्टिस करते रहते हैं। मेरा सबसे पहला चीज यही है कि आप उन चीजों को पहले फोकस करिए जिसमें आप कमजोर हैं, क्योंकि आप स्कूल में भी देखते होंगे कि जिसमें आपको डाउट है उसमें ज्यादा बच्चों को डाउट रहती है, तो आप उन चीजों को पहले क्लियर करिए जिसमें आप कमजोर हैं और उसको बहुत फोकस, मतलब उससे ना तो बोर होइए ना तो उसको छोड़िए कि बाद में देख लेंगे, पहली चीज उसको लेट इट गो मत करिए। दूसरी चीज कि कभी भी आज का काम कल पे मत टालिए। अगर आपको लगता है कि हमारा, हमने ये टारगेट ले लिया, क्योंकि शेड्यूल तो मैंने पहले ही बता दिया, तो टाइम टेबल आपका बना हुआ है ऑलरेडी, तो ये मत सोचिए अच्छा चलो आज शादी है कल कर लेंगे, अभी नया साल है कल कर लेंगे, अभी तो ये था, अभी ये आ रही है पर्व त्योहार आ रहा है कल कर लेंगे। ठीक है, अगर आप कल कर भी रहे हैं तो आप ये माइंड में रखिए कि कल का ही काम है, ये नहीं कि आज तो बहुत पढ़ लिया, ये कल का ही था, तो आपको वो पूरा करना है। और तीसरी चीज, मेरा हाथ जोड़ के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एग्जाम तक सोशल मीडिया से दूर रहें। यूट्यूब पर आप एक वीडियो देखेंगे पढ़ाई का, नीचे आ गया, अरे नया वीडियो रिलीज हो गया, गाना रिलीज हो गया, फटाक से उस पर क्लिक कर दिया। सोशल मीडिया से जितना ज्यादा हो सके दूर रहें, और क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा तीसरा पॉइंट यही है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। ये सब जो चीजें जो डिस्ट्रैक्शन होती है आपके लिए, एग्जाम तक छोड़ दीजिए, लिख दीजिए फेसबुक पे, अब एग्जाम तक हम नहीं करेंगे, ताकि आपका जब सिलेक्शन हो जाए तो लोग आपको सब फिर आपके साथ रहेंगे, चिंता मत करिए, कुछ खराब नहीं होता है। तो दैट इज माय थर्ड टिप्स। थैंक यू सर इतने अच्छे टिप्स के लिए। सर, अगर कोई बच्चा इस बार पहली बार फॉर्म भर रहा है, जैसे कि हमारी लास्ट डेट 2 जून है, उसने आज तक कभी तैयारी नहीं की केवीएस की, अभी तक शुरू ही नहीं करी है, तो आपके हिसाब से उसे कितने टाइम की जरूरत है? अगर वो मान लीजिए रोज 4 घंटे भी दे इसको, तो वो कितने टाइम में अपनी प्रिपरेशन खत्म कर लेगा? मुझे लगता है कि आराम से, अभी एग्जाम में समय है, अप्रैल के करीबन एग्जाम होने के चांसेस हैं, वो आगे भी बढ़ सकती है, जो भी हम वो मान के चलते हैं, तो 3 से 3.5 मंथ मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे से प्लान बनाए तो आप पढ़ाई भी कर लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे, जो मैंने प्लान बताया इसमें आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट को बाइफर्केट कर ले, बशर्ते कि आप स्मार्टली करें, है ना। बहुत लोग क्या होता है कि कहते हैं कि कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, कहते हैं चेंज इज द नेचर ऑफ वर्ल्ड एंड इट इज एसेंस ऑफ लाइफ, तो उस चेंज को एक्सेप्ट करिए, अरे इसमें तो मजा आ रहा है यही बना रहे 2 दिन तक, नहीं, 3.5 मंथ काफी है, बशर्ते कि आप स्मार्ट प्लान बनाइए जैसा हमने पीछे बात। ओके सर, और एक लास्ट क्वेश्चन सर, क्या केवीएस के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है? जी नहीं, अभी ऐसा कोई उनका गाइडलाइन नहीं है नेगेटिव मार्किंग का फिलहाल के लिए, तो आगे कुछ ऐसा होगा तो देखेंगे, फिलहाल नहीं। ओके, तो आई थिंक हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो गए, और इसके अलावा आप लोगों के और क्वेश्चंस हैं अगर सर से, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं, हम सर के थ्रू उनको आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच सर हमें आज ज्वाइन करने के लिए और हमारी इतनी सारी डाउट्स को क्लियर करने के लिए, इट वॉज अ वंडरफुल सेशन। और साथ ही जो आपकी बुक आई है परस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, आई थिंक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर केवीएस राइट नाउ, तो केवीएस चैंप सबको जरूर लेनी चाहिए अगर वो इस बार केवीएस एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो थैंक यू सर एंड गुड बाय एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।